सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम जो भी आपकी यूनिट वन, ये जो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। हमारे यूनिट वन और यूनिट टू कंप्लीट हो गई है और आप आई होप आपने उसके नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए होंगे साथ साथ। तो कुछ प्रॉब्लम्स थी जो आप लोगों ने पूछी थी, जिनमें सबसे पहली प्रॉब्लम थी थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम? इट इज़ अ कंडीशन इन विच ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम आर फिक्स। इट इज़ द कंडीशन इन विच ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम आर फिक्स। सिस्टम की जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो सारी की सारी फिक्स होती है। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया, प्रेशर इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, वो फिक्स हो, टेम्परेचर वो फिक्स हो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन जहाँ सिस्टम की सारी प्रॉपर्टीज़ सेम रहती है उसको हम बोलते हैं थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है, थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम को हमने डिवाइड किया है तीन पार्ट में। थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम तीन पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है थर्मल इक्विलिब्रियम, सेकंड है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और थर्ड है केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ, ये तीनों इसके टाइप है। तो थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम के तीन टाइप होते हैं, एक थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहला है थर्मल इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है? देखिए, थर्मल मतलब अगर हम बात करें तो थर्मल से हमें दिमाग में आता है टेम्परेचर। तो हाँ, ऐसी कंडीशन जहाँ सिस्टम में टेम्परेचर का चेंज ना हो टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर का चेंज ना आए, उस कंडीशन को बोलते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम। तो डेफिनेशन है, द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम डज नॉट चेंज विद टाइम एंड दैट कंडीशन इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। एक बेसिक सा एग्जांपल देते हैं, एक गर्म चाय है, उसका टेम्परेचर मान लेते हैं 60 डिग्री सेल्सियस है और एक इन्वायरमेंट का टेम्परेचर मान लिया हमारा 31 डिग्री सेल्सियस। अब जो 60 डिग्री सेल्सियस है वो टेम्परेचर क्या होगा? वो टेम्परेचर डाउन होगा। और कब तक उसका टेम्परेचर गिरेगा? जब तक उसका टेम्परेचर कहाँ तक ना आ जाए, 31 डिग्री सेल्सियस। 31 डिग्री सेल्सियस पे आने तक उसके बाद उसका टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होना बंद हो जाएगा, 31 से नीचे नहीं जाएगा। क्यों? हमने एक लॉ पढ़ा था, जीरोथ लॉ, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि टेम्परेचर हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने के बाद रुक जाता है। तो जब इस चाय का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, उसके बाद यह डिक्रीज़ नहीं होगा। तो अब जो ये कंडीशन आई है ना, जहाँ टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो रहा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। देखिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या कंडीशन होती है? जो मैकेनिकल फोर्सेज है वो सारी फोर्स आपस में क्या रहे? बैलेंस रहे। जैसे कि किसी पे प्रेशर लग रहा हो तो हर एक प्रेशर पे जो हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर है वो सारा का सारा प्रेशर सेम रहे। जैसे कि एग्जांपल है, एक बॉडी पे मैं फोर्स इस तरफ से लगा रहा हूँ और एक बॉडी पे फोर्स उतना ही फोर्स मैं दूसरी डायरेक्शन लगा रहा हूँ। अब मेरा सवाल है, बॉडी कहाँ जाएगी, लेफ्ट की राइट? सही का आंसर सेम है कि बॉडी ना लेफ्ट जाएगी ना राइट जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ फोर्स कैसा लग रहा है? बराबर लग रहा है। तो यहाँ बॉडी बैलेंस है। कैसे? मैकेनिकली बैलेंस है। इस कंडीशन को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद नेक्स्ट है डेफिनेशन, अगर इसकी दूँ तो, द कंडीशन इन विच नो अनबैलेंस्ड फोर्स विद इन द सिस्टम, द कंडीशन इन विच नो अनबैलेंस्ड फोर्स विद इन द सिस्टम इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। लास्ट जो है आपका वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? तो सीधे सा आंसर है, ऐसा कंडीशन जिसमें ऐसा पॉइंट आ जाए जहाँ केमिकल रिएक्शन होना बंद हो जाए उसको बोलते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम। तो नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द सिस्टम इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपको इसका कोई डेफिनेशन या इसके एग्जांपल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे ज़्यादा।
ओके। नेक्स्ट जो आप लोगों ने प्रॉब्लम पूछी थी वो प्रॉब्लम है, डेफिनेशन आपने पूछी थी एंथैल्पी क्या होती है। देखिए एंथैल्पी मतलब है एनर्जी, जो एनर्जी हम बॉडी से, हमारे बॉडी से एनर्जी निकल रही है। अब सवाल है वो जो एंथैल्पी या एनर्जी है वो हमारी बॉडी से कैसे निकलती है। यूजुअली हम जब काम करते हैं तो उस समय हमारी बॉडी से एंथैल्पी या एनर्जी निकलती है, तो एंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं एच से। एच किसके इक्वल होगा, हम हमारे अंदर से एनर्जी क्यों निकली है, रीज़न है क्योंकि हमने कोई वर्क किया है। क्या सिर्फ वर्क ही हमारी बॉडी के अंदर से एनर्जी निकालने की एक वजह है, दूसरी वजह क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर पहले से एक इंटरनल एनर्जी प्रेजेंट होती है जिसको हम डिनोट करते हैं यू से। तो जो हमारा एंथैल्पी होता है वो किसका सम होता है, वर्क और इंटरनल एनर्जी का। और आपको मैंने पहले भी बताया हुआ होगा शायद कि जो वर्क है वो प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है, तो कहीं कहीं W के साथ W को PV से डिनोट किया होगा, तो PV प्लस U। तो व्हाट इज एंथैल्पी, इट इज़ द सम ऑफ, इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, या सम ऑफ वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, इट इज एंथैल्पी। नेक्स्ट में से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM प्रेशर और गेज प्रेशर, देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है, मान लेते हैं ये कोई बॉडी है जिस पे हम प्रेशर मेज़र करना है या जिस पे हम काम कर रहे हैं, इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, जो एटमॉस्फेयर लगाता है उस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो लगभग 1 bar के बराबर होता है। तो इसके ऊपर जो भी प्रेशर एटमॉस्फेयर लगा रहा है बाहर से, डैट प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक मेजरिंग डिवाइस लगा दिया इस बॉडी के अंदर, जो ये बॉडी खुद जो प्रेशर लगा रही है, तो उस मेजरिंग डिवाइस को हम गेज बोलते हैं, या प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम मैनोमीटर बोलते हैं। तो उस मेजरिंग डिवाइस को हमने क्या बोल दिया, गेज। तो जो गेज जो हमें प्रेशर शो करके दिखाएगा ना, वो किसका, इस बॉडी का, उस प्रेशर को हम बोलेंगे गेज प्रेशर, ओके। तो जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो हमें गेज में प्रेशर मिल रहा है उस बॉडी का, उस प्रेशर को बोलेंगे हम गेज प्रेशर। और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर और गेज प्रेशर, इन दोनों का सम। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्लस गेज प्रेशर को मिला दूँ तो मुझे क्या, कौन सा प्रेशर मिल जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। आपको इसके डेफिनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आपने पार्ट पूछा है ये आपका एक नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा, वो एक हाइड्रोलिक है, उसके अंदर आएगा ये वाला टॉपिक, ओके। नेक्स्ट है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मुझसे पूछा था, तो डेफिनेशन के हिसाब से मैं बता देता हूँ, ऐसा प्रोसेस जो लगभग बहुत बहुत स्लो, वेरी वेरी स्लो, द प्रोसेस विच इज़ वेरी वेरी स्लो इज कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, जो बहुत ज़्यादा स्लो हो उसे बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। एक एग्जांपल अगर मैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का अगर दूँ, तो आपका जो ये हमारा जो फ्यूल और ये जो पेट्रोल डीजल ये भी है, इनको बनने में हजारों करोड़ों साल लगे हैं। तो इतना टाइम लगा क्यों, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा टाइम तक लगता रहा और ये बहुत स्लो प्रोसेस है। तो ऐसे प्रोसेस जो इतना इन्फाइनेट नंबर ऑफ टाइम लगाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ओके। नेक्स्ट एक डेफिनेशन और पूछी थी जो कि थी परफेक्ट गैस की। तो व्हाट इज़ परफेक्ट गैस, इट इज़ द कंडीशन of a liquid, या it is a condition of a vapor, not liquid, it is a condition of a vapor in which liquid is evaporated completely, ये definition थी। और हिंदी में अगर मैं समझाऊँ आपको इसको, कि ऐसी condition जहाँ कोई vapor के अंदर से जो भी आपका liquid present होता हो, जो भी liquid present हो, वो पूरा का पूरा liquid अगर ख़त्म हो जाए, चला जाए,
तो ऐसे गैस को हम बोलेंगे परफेक्ट गैस, उसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल ना हो। जैसे हम क्या मानते हैं, हमारे आसपास की एयर है ना, ये परफेक्ट गैस है। अगर हाथ आपको कभी चिपचिपा महसूस नहीं होता भी, ठीक है, हम इसे परफेक्ट गैस मान लेते हैं। मानते हैं इसका मतलब ये नहीं कि होगी, मानते इसलिए क्योंकि लगभग ये होती है, बट एक्चुअल में ये परफेक्ट गैस नहीं है। इसके अंदर भी मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं बहुत थोड़े थोड़े। तो ऐसी गैस जिसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट बिल्कुल ना हो, वो सारे के सारा मॉइस्चर जा चुका हो, उस गैस को बोलते हैं हम परफेक्ट गैस। ओके, आपको डेफिनेशन मैं इसकी दे चुका हूँ पहले। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछा गया है, जो कि आपने पूछा था कि डिग्री सेल्सियस स्केल या आपका फ़ारेनहाइट या केल्विन स्केल, ये पूछा गया था। एक्चुअल में तीनों के तीनों ही हमारे यूनिट है टेम्परेचर का, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। जैसे कि बेसिक एग्जांपल है, डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए कौन सी यूनिट लेते हो आप, सही का, किलोमीटर भी यूज़ करते हैं, मीटर भी यूज़ करते हैं, और सेंटीमीटर भी यूज़ करते हैं, मिलीमीटर भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी की सारी किलोमीटर की ही यूनिट है। और उसी तरीके से डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सभी के सभी किसके यूनिट होती है, टेम्परेचर। जैसे कि हम बात करें इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो होता है, हम आसपास के इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हम किस में मेज़र करते हैं, हम उसको मेज़र करते हैं डिग्री सेल्सियस में। जैसे आज का जो टेम्परेचर होगा वो लगभग 34 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा, तो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को हम मेज़र करते हैं डिग्री सेल्सियस में। और जब ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की बात आती है तो वहाँ हम फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं, और नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों के दोनों ही टेम्परेचर को ही मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और केल्विन भी। तो डिग्री सेल्सियस हम एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ करेंगे, और फ़ारेनहाइट भी, फ़ारेनहाइट ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को। हम बात आती है केल्विन की, केल्विन की क्या ज़रूरत पड़ी। एक हमारा स्केल और होता है, वो है केल्विन स्केल। एक्चुअल में क्या था, ये हमारा ज़ीरो डिग्री पे आपका वाटर किस कंडीशन में होता, आइस कंडीशन में। हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को और बढ़ाते हैं, और सॉरी घटा देते हैं, -10 तक पहुंच गए, फिर -20 पहुंच गए, फिर -30 पहुंच गए। ऐसे करते करते हमने अपने टेम्परेचर को ना 273 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब इतना नीचे तक हमने इसको पहुंचा दिया। अब होता क्या है कि हम डिग्री सेल्सियस को मेज़र करते हैं ज़ीरो, और इतना नेगेटिव हम कभी लेके नहीं जाते, मेज़र नहीं करते। तो उस समय हमने क्या किया, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को यूज़ ना करके हमने क्या ले लिया, हमने केल्विन स्केल को यूज़ किया। तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नेगेटिव यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में मेज़र करते हैं। ओके, डिग्री सेल्सियस में मेज़र नहीं करते, क्योंकि डिग्री सेल्सियस से नेगेटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी, इसीलिए हम टेम्परेचर कौन सा स्केल यूज़ करते हैं, केल्विन स्केल। आप न्यूमेरिकल भी यूज़ करोगे तो जब भी कोई टेम्परेचर गिवन होगा ना, तो उस न्यूमेरिकल में केल्विन में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है। डिग्री सेल्सियस में गिवन होगा 30 डिग्री सेल्सियस, आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सवाल है केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें। मान लिया आपका 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है, केल्विन में कैसे करें, इसके साथ 273 ऐड कर दो। 273 कितना आंसर आएगा, 303। तो जो आंसर 303 आया ना, वो हम आपका हो गया केल्विन। तो 30 डिग्री सेल्सियस को हम 303 केल्विन ले सकते हैं। तो ये तीनों ही स्केल आपके किस लिए यूज़ करते हैं, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। तो बट आर दी स्केल्स, दी स्केल आर यूज़ टू मेज़र द टेम्परेचर। ओके, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ओके, एंड आई होप आपके जितने भी क्वेरीज थी यूनिट 1 और यूनिट 2 की, वो कंप्लीट हो गई हो, ताकि हम अपना जो यूनिट 3 है वो आगे प्रोसीड कर सकें। ओके,